देख रहे हैं खटपट न्यूज़। केंद्र सरकार के कृषि बिल लाने पर देश के किसान और सभी विपक्षी दलों में नाराजगी साफ दिखने लगी है। छत्तीसगढ़ में बैठकर केंद्र सरकार को हिलाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को नागपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दहाड़ लगाई तो मोदी सरकार बैकफुट में दिखाई दी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री कहाँ चुप रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ शासन में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के इस कृषि बिल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा, पूरे हिंदुस्तान में कल जो तीन विधेयक के संदर्भ में हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, उसके विरोध में गैर भाजपाई जितने भी दल है वो लगातार आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ में और दुर्भाग्य की बात ये होगी कि जो हम गरीबों को एक रुपया किलो चावल देते हैं वो भी प्रभावित होने की संभावना है। केंद्र सरकार पर जहां कांग्रेस खुलकर हमला बोल रही है, वहीं किसानों ने भी कृषि बिल के विरोध देश भर आंदोलन के जरिए हल्ला बोला है। इसी कड़ी में किसानों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। हरियाणा और पंजाब के किसान इस बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध दर्ज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।